बापू नगर विधानसभा सीट से 2017 का चुनाव, विधानसभा चुनाव जीतने वाले हिम्मत सिंह पटेल एक बार फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये हिंदी भाषी लोगों का क्षेत्र अकेला गुजरात में है और पिछली बार परचम हिम्मत सिंह पटेल ने फहराया था। मूल रूप से हिम्मत सिंह पटेल राजस्थान के रहने वाले हैं, दो तीन पीढ़ियों से यहाँ पर रहते हैं। मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि ये पूरा गुजरात में यही एक सीट है जिस पे हिंदी भाषियों का इतना वर्चस्व है, वोट है। इस पर एक बार आप जीत हासिल कर चुके हैं, इस बार की लड़ाई को कैसे देखते हैं? नहीं, एक बात तो मैं आपको स्पष्टता कर दूं कि ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी भाषी समाज तो पूरे गुजरात के अंदर, चाहे सूरत हो, चाहे बड़ौदा हो, अहमदाबाद हो, यहाँ अपने अपने रोज़गार, काम और व्यापार के लिए गुजरात एक औद्योगिक स्टेट है। तो पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का पूरा देश के हर राज्य के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और हर उसमें हैं। यहाँ पर राजनीतिक जो है वो कोई समाज और धर्म और जाति के बीच की राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक जो कार्य है वो हमारा समाज सेवा का कार्य है। जन सेवा, प्रभु सेवा, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग राजनीतिक किसी व्यक्तिगत रूप से लेकर करते हैं वो राष्ट्रहित के लिए भी ठीक नहीं है। मुझे कांग्रेस पार्टी ने अहमदाबाद शहर का मेयर भी बनाया, मैं मेयर भी रहा, मुझे यहाँ संसद भी लड़ाया गया, मैं कॉरपोरेशन में 4 बार चुन के गया, मुझे पार्टी ने विपक्ष का नेता भी बनाया, मैं इस स्टेट का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा। तो यहाँ राजनीतिक जो है वो अपनी समाज के साथ, हर समाज, हर कौम, हर धर्म, हर वर्ग के साथ जो जुड़ाव है, जो प्यार है, जो सद्भावना है, जो हमारी एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम है, यही हमारी सही पहचान है। तो मैं राजनीतिक को किसी वर्ग और समाज जो है वो वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ, हम सबसे राष्ट्र हमारा है, हर राष्ट्र का हर व्यक्ति, हर नागरिक। पिछली बार हिम्मत सिंह जी आप बहुत नैरो मार्जिन से, बहुत कम वोटों की से जीते थे। इस बार कहा जा रहा था MIM का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, वो आपके समर्थन में आए, वक्त पे ही बैठ गए। कहा गया वोटों का बंटवारा आपने रोक लिया, इसके बावजूद अभी भी JDU, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार यूपी की पार्टियाँ इस सीट से अपना उम्मीदवार, आप कहीं बिखराव देखते हैं? आम आदमी पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। पिछली बार भी मैं जीता तो 3000 से ज़्यादा वोटों से जीता हूँ, बहुत मायना रखता है। और इलेक्शन में हार जीत तो एक वोट से भी होती ही रहती है, तो 3000 वोट भी बहुत मायने रखते हैं। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नहीं जीत सकती। जिन्होंने 27 साल राज किया इस राज्य में और 27 साल के राज में आज महंगाई आसमान को छू रही है। आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के शासन में गैस सिलेंडर 400 रुपये का था, आज 1100 रुपये पार कर गया। जो खाने का तेल आता है, आज मूंगफली का तेल यहाँ जो कांग्रेस के राज में 1000 के आसपास का तेल का डिब्बा था, 3000 हो गया। पेट्रोल, डीजल, सारी खाने पीने की सारी चीज़ें, अब तो दवाई भी इतनी महंगी हो गई कि उन पर भी 30-35% भाव बढ़ चुका है। अगर किसी को मकान बनाना है तो सीमेंट और स्टील पर भी भाव बढ़ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। और उसके ऊपर जो सामान्य व्यक्ति खाने की जो चीज़ें होती हैं, दूध, दही, पनीर, मक्खन, उसके ऊपर भी GST दोगुना लाद दी है। तो प्रजा के हक में, प्रजा के सुखकारी में जो सरकार को निर्णय करने चाहिए वो निर्णय आज तक सरकार ने नहीं किया। युवा बेरोजगार है, इनके राज में 22 बार पेपर लीक हुए। जो बच्चे दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, कोचिंग कैंप में जाके लाखों रुपए की फीस भरते, दिन रात पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब एग्ज़ाम देने जाते हैं और पेपर फूट जाता है, कितनी ये सरकार मतलब फेल्योर रही है। ना युवाओं को रोज़गार दे पा रही है, शिक्षा जो है, शिक्षा की जो सरकारी कॉलेज स्कूलें होनी चाहिए ग्रांटेबल, वो इनके राज में नहीं है, सारा प्राइवेट। चुनाव इस मुद्दे पर हो रहा है क्या गुजरात का, ये सब है मुद्दा? यही तो मुद्दे हैं
और इसी के लिए तो मुद्दे में एक इंजन फेल हो गया भारतीय जनता पार्टी का, इसके लिए दूसरा इंजन लगाना पड़ा। जब आप जानते हैं हमारी एक, जब कोई गाड़ी का एक इंजन फेल हो जाता है, डबल इंजन की तो एरोप्लेन आते हैं, तो इसके लिए आते हैं कि एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा इंजन चले। तो यहाँ तो इंजन फेल हो ही चुका है। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक घटना हुई है कि मुख्यमंत्री से लेकर सारा मंत्री पद को हटा दिया गया, करप्शन भ्रष्टाचार उसमें सरकार, कोरोना के अंदर भी सरकार जो फेल्योर रही है, हिंदुस्तान और पूरे विश्व में कोरोना हुआ, कोरोना की महामारी कोई एक गुजरात के नहीं हुई थी, सब जगह ना वो बेड दे सके, ना ऑक्सीजन दे सके, ना 108 दे सके, और लोग तड़प तड़प के मर गए, ना दवा दे सके। तो ऐसी सरकार, निगमी सरकार को कौन जनता कौन चाहेगी। तो आपकी फाइट डायरेक्ट बीजेपी के साथ है या यहाँ पर मल्टी या? मेरी फाइट किसी के साथ नहीं है, मैं विन हूँ। मेरे साथ बापूनगर विधानसभा की जनता है, लोगों के बीच में मैं हमेशा, मेरा 40 साल का करियर रहा है, मेरे घर के दरवाजे हर हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं, ना उसमें इतवार की छुट्टी होती है, ना समय की सीमा होती है। तो लोग मेरे से जुड़े हैं और जनता जनार्दन ही लोगों को चुन के लाती है। पार्टी तो टिकट देती है, पार्टी के सिंबल पर टिकट ले आते हैं, लेकिन आपका चाल चलन और चरित्र भी लोगों के सामने तो खुला होना चाहिए। आज यहाँ पर सारे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और मुझे हराने के लिए 29 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट अपक्ष कैंडिडेट यहाँ खड़े किए गए हैं, उनको पहले से ही भय है। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि हिम्मत सिंह ने MIM का खड़ा करवाया था, बैठवा लिया अपने समर्थन में, कहीं नहीं बैठा, MIM वाला यहीं बैठ गया। जो MIM पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ करके चल रही है, पूरा देश और दुनिया जान रही है कि MIM किसकी पार्टी है, भाजपा की भी टीम है, ये सारी दुनिया जान रही है कि MIM आने से बीजेपी को सीधा फायदा होता है। मैं ना किसी से मिला हूँ, ना मैंने किसी का संपर्क किया है, जिसको लड़ना है वो लड़े, जिसको बैठना है बैठे। मैं बापूनगर की जनता के दम पर और उनके विश्वास ऊपर खरा उतरा हूँ, और मुझे उम्मीद बापूनगर की जनता पर विश्वास है कि मुझे भारी बहुमत से इस बार चुन के भेजेगी। आपने बात की, शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं।